बेटा। क्या बेटा यहाँ तक? यस सर। चलिए, उसके बाद लिखिए जरा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लिखिए बेटा इसमें लिखिए भी इफ अ लाइन डिवाइड्स, स्टेटमेंट लिखिए इसके लिए। स्टेटमेंट लिखिए इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, इफ a line divides any two sides, if a line divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side, must be parallel to third side। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, हो गया अपने पास स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के केस पे अपन बोल सकते हैं कि अपने पास गिवन क्या बेटा जी? गिवन देखिए भाई, ये कोई भी अपने पास ट्रायंगल गिवन है। ओके, ये ए बी सी कोई भी अपने पास ट्रायंगल गिवन है और ये कोई भी एक लाइन दे दी उसने, मान लो कि इसको अपन ने डी और ई बोल दिया। ओके, तो उसने दिया हुआ क्या अपने पास, उसने क्या दिया अपने को, लाइन जो है वो क्या कर रही है, साइड्स को क्या कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब गिवन है अपने पास दैट AD अपॉन DB
इज इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी। क्लियर है वाली बात बेटा जी? अच्छे से yes, ये अपने पास गिवन है बेटा। ओके प्रूफ क्या करना है अपने को? तो प्रूफ बताइए भी, प्रूफ क्या करना है इसमें? उसने ये बोला कि कोई भी लाइन जो है वो अगर इन गिवन साइड्स को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो ये जो लाइन है ये थर्ड लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो इसका मतलब अपने को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है जल्दी से बताइए भाई। सर डी ई पैरेलल टू बी सी। That DE is parallel to BC. Clear है वाली बात बेटा जैसे? Yes sir. Okay. चलिए भाई, DE parallel to BC हो जाएगा। Okay. चलिए अब इसका देखें भाई, proof देखें इसका, या फिर पहले construction देख ले भाई। पहले construction देख लेते हैं। अपन ने क्या किया, ये जो भी साइड थी एसी, एसी साइड पे अपन ने एक रैंडम पॉइंट लिया एफ और उसको अपन ने जॉइन कर दिया डी से। ये अपन ने कंस्ट्रक्शन किया। ये रे वाली बात बेटा जी? यस सर। कंस्ट्रक्शन कर दिया टी एफ। ये रे वाली बात बेटा जी? कोई भी एसी पे कोई भी एक पॉइंट लिया और उसको इसे अपन ने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। यस। तो इसका प्रूफ देखते हैं भाई। अपन ने बोल दिया कि लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू, डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। अपन ने ऐसा एज्यूम कर लिया, वैसे तो अपने को प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, लेकिन अपन ने अज्यूम कर लिया कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं गिवन है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। सो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर DE पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब कोई एक और ऐसी लाइन D से पास होने वाली, कोई एक ऐसी लाइन जरूर होगी, एक लाइन ऐसी जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी दैट इज पैरेलल टू बीसी। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। सो अपन यहां बोल सकते हैं, यहां से अपन क्या बोलेंगे, सो थ्रू डी, थ्रू डी देयर मस्ट बी बी अ लाइन पैरेलल टू BC, लेट वो लाइन अपने पास में क्या है DF है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? अरे अरे के बात समझ में? यस सर। यस सर। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं अभी दैट DF, यहां से अपने पास कंडीशन क्या है जो भी अपन ने अज्यूम किया उसे अपन बोल देंगे ना कि डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके बेटा, उसको अपन ने पैरेलल एज्यूम किया किसके, दैट इज पैरेलल टू बी सी। डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। क्लियर हुआ बेटा यहां तक सबको अच्छे से? यस सर। ओके चलिए भाई, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपन क्या बोल देंगे देन बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अपन क्या बोल सकते हैं बेटा जी, क्या बोले बोलिए भैया कि एडी अपॉन क्या हो जाएगा डीबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एएफ अपॉन एफसी। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर।
Yes, sir. Okay, you get equation number one. But अपना given क्या है बेटा जी? Given अपने पास में क्या है? That AD upon DB is equals to क्या हो जाएगा? AE upon EC. ये equation number two. Clear है वाली बात बेटा जी? यहाँ तक आया सबको अच्छे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आया क्या बेटा? Yes, sir. Okay. Yes. चलिए भी ये हटा दे ऊपर वाला, यहाँ तक नोट डाउन हो गया क्या? Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन करो, अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया तो फटाफट नोट डाउन करो. Sir done. ओके बेटा यहाँ तक? यस सर. यस सर. ओके चलिए भाई. अब देखिए भाई अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू यहाँ पे क्या देखिए भाई, एडी अपॉन डीबी जो है वो इक्वल है किसके? AF upon FC के. और यहाँ पे AD upon DB वही सेम इक्वल है किसके? AE upon EC के इक्वल है. तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी बेटा जी? यहाँ से कंडीशन हो जाएगी अपने पास that AF upon FC is equals to ये क्या हो जाएगा? AE upon क्या हो जाएगा? EC हो जाएगा. क्लियर है वाली बात बेटा जी यहाँ तक? और यहाँ तक आएगा सबको अच्छे समझ में? Yes sir. Okay. चलिए भाई अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन बोथ साइड वन ऐड कर देते हैं. तो बोथ साइड वन ऐड करने पे क्या हो जाएगा? AF upon FC plus one equal हो जाएगा किसके? That AE upon EC plus one. क्लियर है वाली बात बेटा? यहाँ तक आया सबको अच्छे समझ में? Yes sir. Okay. तो ये हो जाएगा अपने पास AF plus FC upon में हो जाएगा FC is equals to हो जाएगा AE plus EC is divided by हो जाएगा क्या अपने पास? EC. क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से बेटा? यस सर. ओके तो देखिए भी AF प्लस FC किसके इक्वल हो जाएगा भाई? ये ट्रायंगल अपना कुछ स्टेप से था A D B C और ये था अपना E और ये था अपना F. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Okay, तो AF plus FC किसके इक्वल हो जाएगा? AC के इक्वल हो जाएगा. AC upon ये क्या हो जाएगा? FC is equals to AE plus AE plus ये हो जाएगा AC upon किसके इक्वल हो जाएगा? EC के इक्वल हो जाएगा बेटा जी. क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. Okay, AC से AC कैंसिल आउट हो गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा? FC इक्वल हो जाएगा किसके? EC के. आ रही है क्या बात समझ में बेटा जी? Yes, sir. ये कह रहा है कि FC जो है वो CE के इक्वल हो जाना चाहिए. आ रही है क्या बात समझ में? Yes, sir. Okay, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे भी? But this is impossible.
क्योंकि अपन ने तो बोला था कि ये पॉइंट जो है वो अपन कुछ अलग ले रहे हैं. आ रही है क्या बात समझ में बेटा? यस सर. एफ पॉइंट तो अपन क्या कर रहे हैं, कुछ अलग कंसीडर कर रहे हैं. चलिए भैया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ सी और ई सी की बात हो रही थी, यहाँ से अपन बोल देंगे कि बट दिस इज इम्पॉसिबल. But this is impossible. ये रहे वाली बात बेटा जी. Yes sir. Yes sir. Impossible unless the points F and E are coincide. Clear है वाली बात बेटा जी? Yes sir. Okay. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब बी एफ और डी ई जो है ये दोनों क्या हो जाने चाहिए, बोथ आर कोइंसिडेंट लाइंस और डी एफ एंड डी ई आर कोइंसिडेंट लाइंस. सो अपन क्या बोल देंगे भैया जी, so DE is parallel to BC. clear हुआ बेटा ये सबको अच्छे से? yes sir. okay चलिए तो बाकी की कहानी देखेंगे बेटा. हो गया क्या नोट डाउन? yes sir. okay हो गया क्या बेटा? यस सर. यस सर. ओके तो यहाँ तक आया सबको अच्छे समझ में बेटा? यस सर. यस सर. एनी डाउट? नो सर. ये रहे यहाँ तक सब कुछ अच्छे से बेटा? यस सर. ओके तो चलिए भी नेक्स्ट क्लास के लिए जो भी तुम्हारा होमवर्क है दैट इज एक्सरसाइज नंबर 6.2 ऑफ एनसीईआरटी. ये बेटा यही जो दो थ्योरम्स हैं पढ़ी अपन लोगों ने है ना, बीपीटी जो थ्योरम पढ़ी है उसी से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस रहेंगे. ओके तो उसमें जो भी अपन ने वो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे. ओके यस सर. क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर. ओके चलिए भी तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे, बढ़िया से पढ़ाई करते रहें. ओके बेटा. ओके सर. ओके बेटा, बाय बाय सर.